मेरे चैनल कुकिंग विद सोनी में। चलिए आज बनाते हैं तरी वाली बीन्स और आलू की सब्जी। इसके लिए हमने 250 ग्राम बीन्स से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के धो लिया है। इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लहसुन, 3 टमाटो, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च लिए हैं। इन सभी को मिक्सी ग्राइंडर डालकर अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। 2 बड़े साइज प्याज लिए हैं, इसको पतले पतले काट लिए हैं। ये 1/2 किलो के आसपास आलू है, इसको हमने बॉईल करके छील लिया है। ये देखिए दोस्तों, हमने पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं सब्जी बनाने की तरफ। इसके लिए हमने कढ़ाई रखा है, कढ़ाई गर्म हो चुका है, हम ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम बीन्स और आलू को फ्राई करके ले लेंगे, उसको थोड़ा सा हल्का भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, तेल हमने डाल दिया, तेल गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसमें अपना बीन्स जो धो के रखे हुए हैं इसको डालेंगे और भूनेंगे, चलाते हुए कंटिन्यू इसको भून लेंगे हम लोग। तो चलिए इसको थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का बीन्स भून चुका है। सॉरी दोस्तों, मेरा गैस बहुत तेज था इसीलिए वो चिपक गया, लेकिन आप लोग मत कीजिएगा ऐसा। तो चलिए अब इसमें हम लोग आलू भी भूनेंगे, दोनों एक साथ हो जाएगा। तो चलिए आलू को भी डाल के 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। ये देखिए दोस्तों, आलू हम लोग का भून चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं अलग। फिर से वही कढ़ाई को हम लोग ने चढ़ाया है गैस पे। जब वो गर्म हो जाए तो हम लोग इसमें 2 टेबलस्पून के आसपास तेल, सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम लोग डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1/2 टेबलस्पून जीरा और थोड़ा सा हींग, चुटकी भर हींग डालेंगे। जब ये चटक जाए तो हमने जो प्याज काट के रखा हुआ है उसको हम लोग इसमें डाल देंगे और गोल्डन होने तक इसको भून लेंगे। तो चलिए हम लोग प्याज को अपने गोल्डन होने तक भून लेते हैं। दोस्तों आप इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी बन के आती है ये। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का प्याज ऑलमोस्ट ही भून चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम लोग का प्याज भून चुका है। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था इसको ऐड करेंगे इसमें। इसको भी इसमें डालकर अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे चलाते हुए। ये देखिए दोस्तों, चलिए अब इसको ढक देते हैं, ढक के 3 मिनट के लिए भून लेते हैं इसे। ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं। इसके लिए हमने नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर सभी को इसमें डाल देंगे। डालकर इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेंगे। हम लोग को मसाला को तब तक पकाना है जब तक ये मसाला कढ़ाई नहीं छोड़ देगा। इससे क्या होगा कि मसाला में कच्चापन नहीं रहेगा। तो चलिए ढक कर इसको पका लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का मसाला बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पक चुका है। आप देख सकते हैं मसाला हम लोग का कढ़ाई छोड़ चुका है। तो चलिए अब हम लोग जो बीन्स और आलू को भून के रखे थे अलग में, उसको इसमें डालेंगे। दोस्तों आलू को आप इस तरह से हाथों से तोड़ के डालिए या फिर आप चाकू से भी इसको 2 टुकड़े करके इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों, हमने कुछ आलू को ऐसे हाथों से तोड़ लिया है और चाकू से भी काट लिए हैं। अब इसको हम लोग मसाला में डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको चलाते हुए। दोस्तों मेरा आलू छोटा छोटा है इसीलिए मैंने इसको 2 टुकड़े किए हैं। आपका आलू बड़ा है तो आप अपने हिसाब से आलू का साइज़ रखिए। तो चलिए हम लोग इसको मिला लिए हैं, करीब इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 मिनट के लिए इसको हम लोग भून लेंगे मसाला के साथ। ये देखिए दोस्तों, 1 मिनट हो चुका है, हम लोग का भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको जितना गाढ़ा पतला चाहिए आप उस हिसाब से रखिए। मैंने लगभग 1.5 गिलास के आसपास मैंने पानी डाला है। तो चलिए अब अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। मिला के ढक कर इसको 5 मिनट के लिए हम लोग पकाएंगे। दोस्तों आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी।
तो देखिए दोस्तों 5 मिनट हो चुका है, चलिए चेक करते हैं हम लोग का सब्जी कैसा हुआ है। दोस्तों अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, ये पतला लग रहा है, तो और हम लोग इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चलिए फिर से इसको ढक देते हैं। ये देखिए दोस्तों 3 मिनट हो चुका है और हम लोग का जो सब्जी है वो एकदम तैयार हो चुका है। ये पहले से गाढ़ा हो गया है, एकदम इसको सूखा नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा रखना है क्योंकि ये तरी वाली सब्जी है तो इसमें तरी तो चाहिए, रसा तो चाहिए इसमें। तो चलिए ये देखिए अब हम लोग इसको ढक देंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए दोस्तों ठंडा हो चुका है सब्जी थोड़ा सा हम लोग का, आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से बना हुआ है, कितना अच्छा इसका कलर और टेक्स्चर आया हुआ है। दोस्तों ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है, इसे हम लोग के इधर आलू दम भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छी लगती है, इसे आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।